इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या हो गया, क्वांटम नंबर्स में दे आर पैरामीटर बाय विच वी कैन शो एड्रेसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स, दे आर ऑल्सो यूजफुल टू कैलकुलेट एनर्जी एंड पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स। समझ में आ रहा है? दे क्लासिफाइड इन फॉलोइंग फोर टाइप्स। तो मैं आपको बिल्कुल वैसे ही बता रहा हूँ जैसे आपको मेरी एड्रेसिंग के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत थी, सिटी, कंट्री, स्टेट, नेम, एरिया, मकान नंबर यानी हाउस नंबर, वैसे यहाँ पर भी आपको फोर क्वांटम नंबर चाहिए रहेंगे। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा इसके बाद आएगा कौन सा आएगा, एजीमुथल। एजीमुथल या फिर एंगुलर, एंगुलर क्वांटम नंबर। तीसरे नंबर पे क्या आएगा आप बता सकते हो? बिल्कुल सही कहा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथे नंबर पे क्या आएगा? स्पिन। वेरी गुड, स्पिन क्वांटम नंबर। ये सारे पैरामीटर्स आपको हेल्प करेंगे ये बताने में कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी क्या है। चलिए ठीक है, क्या इसको डेप्थ में हम करते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिएगा सबसे पहले आप बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करता है जैसे मेरी एड्रेसिंग में कंट्री का नाम, ठीक है, इंडिया। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? कंट्री, बड़ी चीज, ठीक है, पक्का। तो कुल मिला के आप मुझे बताएं कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे लिए बड़ी चीज है, तो ये बड़ा है तो ये क्या बताएगा? एक तरह से साइज, साइज ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं, समझ में आया? तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि ये न्यूक्लियस है, पक्का। और ये हमारे लिए ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, समझ में आ रहा है? तो इन ऑर्बिट को आप क्या बात किस नाम से बोलेंगे? ऑर्बिट तो बोलेंगे ही, इसका एक और नाम है, क्या नाम है? शेल। इसका एक और नाम है एनर्जी लेवल, इसका एक और नाम है स्टेशनरी स्टेट, इसका कोई और भी नाम है बता सकते हैं? शेल, एनर्जी, एनर्जी लेवल बोल सकते हैं आप, स्टेशनरी स्टेट बोल सकते हैं, या इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हम बोल ही रहे हैं। तो ये पूरे नाम एक ही चीज के हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे हम? एन से, स्मॉल एन से। तो ये भी इसका नाम हो गया एन। आ गया, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? हाँ पक्का, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ यहाँ ऐसे चलते जाएंगे। इनके नाम क्या रखे हमने? के, एल, एम, और आगे अगर रहता है तो एन। एक्चुअल में क्या था कि कैसे ही क्यों स्टार्ट किया मैंने नाम, इसके पीछे कहानी ये थी कि जिस सबसे पहले एटम आया उसी के साथ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स भी आ गए, तो यहां से इनर शेल से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाता था, न्यूक्लियस में चल जाता था। लेकिन ये क्या हो गया? न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन अंदर वाला जो सबसे नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो अंदर चल जाता था न्यूक्लियस में, और प्रोटोन के साथ मिलके क्या बना लेता था वो, क्या बनाएगा? प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे? न्यूट्रॉन। उसमें बहुत सारी एनर्जीज लिबरेट होती थी। इसको जिस साइंटिस्ट ने बताया उसने अपने नाम से इसका नाम बता दिया के, इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो उसने बोल दिया फर्स्ट जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन शेल होगा उसको के बोलो, तो अपने आप ही नाम हो गया। इसको के बोलोगे तो बात वाले को क्या बोलोगे? एली बोलोगे, के एल एम एन ओ पी। तो यहां से ही ट्रेंड चालू हो गया कि नहीं हम इसको तो के ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, पक्का। तो यहां नाम रख दिए गए के एल एम एन। तो अगला पॉइंट हमारे लिए जो पहला पॉइंट हो गया कि हमारे को साइज ऑफ ऑर्बिट बताता है, बिल्कुल, यानी कि जितना बड़ा होगा एन की वैल्यू साइज उतनी क्या होगी? बड़ी होगी। तो एक तरह से हम अगर बात करें साइज की वैल्यू तो यहां लिख सकते हैं आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर। ये एन स्क्वायर होता है, ये बात हमें बोर ने बताई बाय बोर इक्वेशंस। बोर इक्वेशंस
बोर इक्वेशंस। तो बोर ने जो बताया हमने ठीक है सीख लिया, और कहा कि यहां अगर रेडियस सपोज 1 है तो यहां पर कितनी होगी 4, बढ़ती जाएगी। यहां एन की वैल्यू क्या है जल्दी से बताओ, यहां एन की वैल्यू कितनी होगी ए के लिए, एन की वैल्यू 1, यहां के लिए एन की, एल के लिए एन की वैल्यू क्या होगी 2, यहां इनकी वैल्यू क्या होगी 3। तो बताइए यहां और यहां जाने पर आपके पास रेडियस कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 1 से 2 गए 4 टाइम्स बढ़ेगी, 2 टाइम्स नहीं बढ़ेगी 4 टाइम्स, और यहां से यहां गए 3 टाइम्स नहीं बढ़ेगी 9 टाइम्स बढ़ेगी, स्क्वायर में बढ़ेगी। समझ में आ रहा है, ये बात हमारे को थोड़ा सा बोर्ड ने बताया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सेकेंड यानी ये साइज बता रहा है, क्या बता रहा है साइज। दूसरा पॉइंट जो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट है कि जब ये साइज बता रहा था तो अगला पॉइंट हमारे पास हुआ कि ज्यादा बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी भी क्या होगी ज्यादा, आए या नहीं आए वो अलग बात है। एक कह दिया जाता है बहुत बड़ा मकान देखा हमने, बहुत बड़ा, तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम ये बोल सकते हैं इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, नहीं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे लोग रह सकते हैं, हाँ ये तो बोल सकते हैं। एक बड़े मकान में हम बोल सकते हैं बहुत सारे लोग रह सकते हैं क्योंकि बड़ा है, तो वही चीज हम बोल सकते हैं कि इसमें ज्यादा रहेंगे या नीचे ज्यादा रहेंगे, नीचे वाले में। तो डाउन द, जैसे आप नीचे आ रहे हैं या बाहर आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस आ रहे हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो साइज बढ़िए, बिग साइज क्या लिखोगे आप, बिग साइज ऑफ ऑर्बिटल, बिग साइज ऑफ ऑर्बिटल कंटेन मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, या कंटेन लिख सकते हो, कैपेसिटी लिख सकते हो, कुछ भी इस तरह की लैंग्वेज लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल क्या होगा 2n स्क्वायर, यहां n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये हमारे लिए थर्ड पॉइंट हो गया इसके लिए। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे पास आते जा रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, तो आप मेरी मदद बस इतना सा करिए कि यहां ये बता दीजिए कि n की वैल्यू अगर चेंज हो रही है 1, 2, 3 तो उसका नेम क्या होगा और उसमें मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जल्दी जल्दी बोल दीजिए। के एल के एल एम एन, समझ में आ रहा है, ओ पी, तो ऐसे ही हमारे पास के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू चलेगा, लेकिन हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं है कि हमें आगे की जरूरत पड़े। अभी तक हमारे को कहां तक जरूरत पड़ेगी यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें 2, समझ में आ रहा है, कितने आएंगे 2, तो यहां कितने आएंगे 8। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो आप 2n स्क्वायर, तो यहां पर 3, 3 यहां पर कितने हो जाएंगे 18, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 18, यहां कितने हो जाएंगे जल्दी से बोलो, बिल्कुल सही है 32, यहां 50, यहां 72। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं बताइए पी शेल में, पी शेल ही बोलेंगे इसको, है तो शेल, पी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 72, पी ऑर्बिट में, ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, पी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 72, बताइए के ऑर्बिट में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एल एम एन ओ 50 और पी में 72, बोलो यस और नो। तो थोड़ा सा इस चीज को सिस्टमेटिक कर लो आप, आपको यह समझ में आ गया कि हाँ किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आया या नहीं आया, चलिए ठीक है। तो आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने लगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे उतने आ सकते हैं। अब हो सकता है कि यहां तक ही आपके इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए या यहां तक ही खत्म हो गए, तो नीचे कैसे आएंगे मत आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कितने आ सकते हैं।
अगला पॉइंट जो ये बताएगा, यहां पर एक और चीज बताता है ये, और वो होता है एंगुलर मोमेंटम। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताने में भी मैं मदद करूंगा। मदद करेगा तो हम मना थोड़ी ना करेंगे, कर दे भाई। तो अगला क्या बताएगा ये नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम भी बताता है। कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, जल्दी से बता सकते हैं आप? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये हो जाता है एम वी आर, यानी एम वी तो मोमेंटम होता है और आर से मल्टीप्लाई करते क्या हो जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम। और ये क्या बताएगा, एन एच अपॉन 2 पाई। तो आप बता सकते हैं यहाँ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एन की वैल्यू यहां पर क्या है 1, तो एच अपॉन 2 पाई। यहां एन तो आपके पास आपको मालूम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। क्या आप ये बता सकते हैं कि एच क्या है यहां पर? एच कॉन्स्टेंट है, प्लांक कॉन्स्टेंट। इसने काफी मेहनत की है, हर जगह अपनी हेल्प दी, बताइए। तो ये है प्लांक कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.64 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड है। लेकिन ये अभी सिर्फ ध्यान ही रखना है आपको, चलने दें आगे। तो ये हमारे पास हो गया एम वी आर एन एच अपॉन 2 पाई, बताने में भी आपकी क्या करेगा, ये मदद करेगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया? अब आगे और क्या मदद करेगा ये? ये हमारे को साइज बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बता रहा है, एंगुलर मोमेंटम बता रहा है हमारे को। तो हमने इससे बहुत सारी उम्मीदें रख रखी है कि आप भाई बहुत कुछ बताओ, लेकिन अब क्या ये क्या ये और कुछ बता सकता है, जैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकता है? कोशिश कर सकता है, अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी बता सकता है। तो अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है तो बता सकता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जैसे हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, सोडियम प्लस 10, 11 इलेक्ट्रॉन थे, 10 निकाल दिए, तो वहां अप्रोक्सीमेट वेलोसिटी आपके पास वेलोसिटी वी बताएगा। और वी की वैल्यू कितनी होगी आपको मालूम है? थोड़ा सा आप आइडिया दे सकते हैं, जल्दी से बोलो। नहीं मालूम है? तो देखिए ये बात तो है कि वो बहुत, ये आप मॉडल में पढ़ेंगे, 10⁻ अगर आप सेंटीमीटर में बताना चाहते हैं तो ये हो जाएगा जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं तो 6 लिख के मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं आप। आ गई बात समझ में? तो ये वेलोसिटी अप्रोक्सीमेट बता रहा है, बताने दीजिए फिर, कोई बात नहीं। तो आपको ये तो पता चल जाता है कि नीचे जाने पर, दूर जाने पर वेलोसिटी क्या होती है, कम होगी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे। तो एटम से आप जितना दूर जाएंगे वेलोसिटी कम होगी, साइज बढ़ेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छे से क्लियर है कॉन्सेप्ट, हाँ या ना? डन। तो ये सारे पॉइंट्स इसने हमारे को बता दिए। अगला पॉइंट जो हमारे लिए था, अगला क्वांटम नंबर जिसका नाम है हमारे लिए, क्या नाम है? एजी मुथल क्वांटम नंबर। बिल्कुल सही कहा आपने, एजी मुथल या फिर एंगुलर क्वांटम नंबर। तो लिखिए अगला क्वांटम नंबर, यानी सेकेंड नंबर का क्वांटम नंबर होगा एजी मुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? स्मॉल एल से। जितने भी क्वांटम नंबर हैं ये स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना हमारी जरूरत है यहां पर। ये क्या बताएगा? सबसे पहले इट शो शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल की शेप बताएगा, पहला काम। ये बात तो समझ में आ गया कि ये छोटा क्वांटम नंबर है, किससे? प्रिंसिपल से। जैसे राजस्थान इंडिया से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो राजस्थान में इंडिया होगा या इंडिया में राजस्थान होगा? इंडिया में राजस्थान। तो वैसे ही प्रिंसिपल क्वांटम में एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा, समझ में आ रहा है? एजीमुथल में प्रिंसिपल नहीं होगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही चलता है कि इंडिया में राजस्थान है, राजस्थान में कोटा है, कोटा में राजस्थान है, नहीं कोटा में इंडिया है, नहीं इंडिया में कोटा है, हाँ इंडिया में राजस्थान है, हाँ इंडिया में तलवंडी है, हाँ कोटा में तलवंडी है, हाँ कोटा में सुनील है,
हाँ सुनील इंडिया में है, हाँ इंडिया में सुनील है। चलो इंडिया सुनील के अंदर ही है पूरा पूरा, नहीं है पक्का? तो वो जल्दी जल्दी बोलते जाया करो, आंसर में आपको मजा आएगा। इट शो शेप ऑफ ऑर्बिटल, तो ये शेप बताएगा, पहला काम हो गया। और दूसरा ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर किसमें होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। तो ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में बहुत सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट शो द शेप ऑफ ऑर्बिटल के बाद जल्दी से लिखते चले जाएं कि ये हमारे लिए क्या होगा, कि होगा यही पॉइंट मेन हमारे लिए आ रहा है कि कैसे शेप हमारे लिए होगी अगर एल की वैल्यू, हम इसी को आगे डिस्कस कर रहे हैं। चलो पहले तो ये लिखिए यहाँ पर कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर प्रेजेंट इन एंड वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल, यानी पहले बड़ी चीज की एड्रेसिंग है, ये छोटा क्वांटम नंबर है। तो हम यहां पर बहुत आसानी से कह सकते हैं कि एन की वैल्यू से ही एल की वैल्यू डिसाइड करेगी। द वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ एल, एल की वैल्यू जो होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, जीरो से स्टार्ट होगी और डैश 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 चलती जाएगी, जीरो वन, और कहां तक जाएगी, जीरो वन टू एन माइनस वन। समझ में आ रहा है? तो जीरो वन टू एन माइनस वन, आपको कितने का डिफरेंस दिख रहा है यहां पर, एक का पक्का। तो हम इंटीग्रल वैल्यू बोलते हैं, इंटीग्रल वैल्यू यानी एक एक के डिफरेंस में चलते जाओ, जीरो से स्टार्ट करो और कहां तक जाना है आपको, एन माइनस वन तक। नहीं, ये ऑलवेज आपको यहां पर जीरो से यानी एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव में तो जाने का सवाल ही नहीं है, लेकिन हाँ जीरो मिल सकता है आपको। तो दूसरा पॉइंट आपके पास आ गया, शेप कैसे डिसाइड करेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल। शेप ऑफ ऑर्बिटल में अगर आपकी एल की वैल्यू वन है तो इससे बनने वाला ऑर्बिटल का नाम एस होगा, शेप एंड नेम ऑफ ऑर्बिटल, और उसकी शेप होगी कैसी होगी, स्पेरिकल। बिल्कुल सही कहा। और अगर एल की वैल्यू टू है, सॉरी यहाँ जीरो से स्टार्ट है, जीरो है, वन है, तो पी होगा और ये हमारे लिए क्या होगा, डंबल शेप। और यहां पर अगर एल की वैल्यू हमारे पास टू है तो ये क्या हो जाएगा, डी, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, डबल डंबल। डबल डंबल शेप। और एल की वैल्यू अगर थ्री है तो एफ हो जाएगा और ये हमारे लिए हो जाएगा कॉम्प्लेक्स स्पेरिकल। आप जानते हो ऐसा होगा, डंबल ऐसा होगा, डबल डंबल ऐसा होगा, दो डंबल हो गए, और कॉम्प्लेक्स हम बोर्ड पे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स काफी कॉम्प्लेक्स होता है, नाम ही कॉम्प्लेक्स है। अब ये बताइए कि कौन सा ऑर्बिटल बड़ा है, कौन सा ऑर्बिटल बड़ा है, एस या पी। एस, अब बताइए कौन सा बड़ा है, पी। अब बताइए एस बड़ा है या पी बड़ा है, पी। अब बताइए कौन सा बड़ा है, एस बड़ा है। तो देखिए मैं आपको फिर बता देता हूं, दिमाग में इतना बिठा के चलिएगा कि साइज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताई जाती है, न कि एजीमुथल से। तो अगर आपके पास एस लिखा हुआ है और एक एल लिखा हुआ है, एस के साथ लिखा हुआ है फोर, तो यानी ये जो फोर लिखा रहता है ये बताता है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसके साथ अगर टू लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, तो ये कहलाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ये साइज छोटी है ये बड़ी है। लेकिन अगर यहां पर टू और यहां पर फोर लिखा हुआ है तो ये बड़ा है, ठीक है ना, फोर पी लिखना चाहता हूं मैं, हाँ या ना, क्लियर है? तो आपको दिमाग में ये पता लगाना है कि साइज और शेप
अलग चीजें, शेप शेप होती है और वो हमारे को एजीमुथल से पता चलती है, जबकि साइज साइज होती है यानी कि आकार से रिलेटेड, और वो हमें एजीमुथल नहीं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलती है। समझ में आ रहा है? तो आप दोनों को कोरिलेट नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो चीज बतानी है वो वहीं से बताएंगे। सही बात तो ये है। तो यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बोलो यस और नो। चलिए ठीक है, तो ये भी कुछ तो बताएगा। आपके पास यहां तक तो आ गया कि SPDF। तो करें अपन स्टार्ट कुछ और पॉइंट्स। अगर हम बात करते हैं इनके लिए कि n की वैल्यू हमारे पास 1 है, n की वैल्यू 0 से तो स्टार्ट नहीं हो सकती, पक्का? तो n की वैल्यू 1 है तो आपके लिए कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? 1s। क्या 1p हो सकता है? बोलो हाँ या ना। नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि l की वैल्यू 0 से n-1 होती है। तो 1-1 कितना हुआ? 0। 0 का मतलब 1 तो हो ही नहीं पाएगा। s तो 1 के केस में सिर्फ s होगा। l की n की वैल्यू अगर 2 है तो 2-1 कितना हुआ? 1। टू के केस में, n इक्वल टू 2 के केस में आपके पास क्या हो जाएगा? 1s भी हो सकता, 2s भी हो सकता है और 2p भी होगा। कोई समझ में आ रहा है? और 3 के केस में, n इक्वल टू 3 के केस में 3s होगा, 3p होगा और 3d होगा, पक्का? तो आप मुझे बताइए 3d नाम का, 2d नाम का कभी ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि n की वैल्यू 2 है, और n की वैल्यू ध्यान से सुनना, l की वैल्यू यहां पर भी क्या हो गई? 2। n की वैल्यू हमेशा l की वैल्यू से बड़ी होती है। आप देख लो किसी भी ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू l की वैल्यू से बड़ी होती है। बराबर गलत है, छोटा तो बहुत ही गलत है। तो यहां हमारे लिए की पॉइंट क्या रहेगा? एक बार 4 के लिए भी लिख लो। 4 में कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? 4s, 4p, 4d, 4f, पक्का? तो जो ऑर्बिटल नहीं थे उसको काटो पहले। अगर आपने 3f लिख दिया तो ये भी कट जाएगा। की पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा? फॉर एनी ऑर्बिटल, फॉर एनी ऑर्बिटल, फॉर एनी ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ एल इज ऑलवेज लेस देन एन, सो सो दैट, छोड़ो क्वेश्चन कर देते हैं अपन। चलो एग्जाम्पल करो यहां पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल नॉट एग्जिस्ट? ए 4s, बी 3d, सी 3f और डी 2p। कौन सा ऑर्बिटल नहीं होगा, नॉट एग्जिस्ट? 3f, क्योंकि f के लिए l की वैल्यू कितनी है? f के लिए l की वैल्यू कितनी है? 3। और n की वैल्यू भी 3 हो गई, तो 3 3 बराबर नहीं होंगे, पक्का? और अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए 1d, क्या ये होगा? 2d, क्या ये होगा? बोलो होगा या नहीं होगा? नहीं, ये भी नहीं होंगे, पक्का? तो आपको दिमाग में अंदर तक बिठा के चलना है ये कि कौन से ऑर्बिटल होंगे कौन से नहीं होंगे। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको शेप के बारे में बताता था ऑर्बिटल की। तो शेप के कारण जिस शेप बनती है उस शेप की वजह से एक और एंगुलर मोमेंटम क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो यानी कि ये एक और पॉइंट हमारे को बताता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम।
तो क्या बताता है ये? नेक्स्ट इट शो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? आप इसको तो ध्यान ही रखना पड़ेगा आपको, क्या होगी आपको याद है? एल तो आएगा ही आएगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं रूट में क्या लिखेंगे, एल एल प्लस वन एच अपॉन टू पाई। एच यहां पर प्लांक कांस्टेंट है, पाई पाई है, एल यहां पर एल एजीमुथल नंबर। तो आप मुझे थोड़ा सा और आइडिया दीजिए, क्या आइडिया दीजिए आप? एक और चीज उससे पहले मैं बता दूं, एच कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो क्या हम इतने सारे कांस्टेंट की जगह एक और कांस्टेंट बना दें जिसका कोई नाम नहीं है, बस एच बार बोल देंगे? एच बार की वैल्यू क्या होगी? एच अपॉन टू पाई। एच की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई दिया 6.62 × 10⁻¹¹, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, 2 से डिवाइड करो, 3.14 से डिवाइड करो, इसकी वैल्यू आ जाएगी एच बार की। अच्छा मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं एग्जाम्पल, इससे मैं कैलकुलेट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑफ 2s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा जल्दी से बताइए? 2s के लिए l की वैल्यू क्या है जल्दी बताइए? जीरो, पक्का? तो एंगुलर मोमेंटम जीरो की वैल्यू रखो जल्दी से, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन एच बार, क्या आ गई वैल्यू? जीरो। हाँ या ना? तो बताइए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किसके लिए ज्यादा होगा, 2s के लिए या 3s के लिए? दोनों के लिए जीरो है, 2s हो या 3s हो, तो बराबर होंगे या ज्यादा होंगे? बराबर होंगे। तो आपने यहां पर एक और चीज सीखी है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम n पे डिपेंड नहीं करता, करता है क्या? नहीं है। तो लिखो की पॉइंट यहां पर, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इंडिपेंडेंट ऑन एन। बेसिक थ्योरी जहां तक आप पढ़ते हो वहां तक तो ये बिल्कुल सही है कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एन पे डिपेंड नहीं कर रहा, उसमें क्या आ रहा है? एल। तो आपके लिए ये क्लियर हो गया। हाँ अब अगर मैं ये पूछ लेता कि 2s के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता, एंगुलर ऑर्बिटल वर्ड नहीं लगाता, तो mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, तो आराम से आप बता सकते हो h अपॉन 2 पाई, 2h अपॉन 2 पाई यानी h अपॉन पाई, पक्का? तो 2s के लिए ज्यादा होता या 3s के लिए ज्यादा होता एंगुलर मोमेंटम? 3s, लेकिन ऑर्बिटल लगती दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए, और बराबर हो गए भी कितने बराबर हुए? जीरो। तो आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है, ये सारे कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? हाँ या ना? तो अब आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर अच्छे से समझ लिया, यस और नो? ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख रहे थे, अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हेडिंग डाल लीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? पहले तो ये समझिए इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, स्मॉल एम से। ये हमें बता रहा है कि दिस क्वांटम नंबर, लिखिए इसके अंदर, दिस क्वांटम नंबर शो द, दिस क्वांटम नंबर शो द 3D डिस्ट्रीब्यूशंस,
दिस क्वांटम नंबर शो द 3D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल देखिए वो शेप बता रहा था लेकिन वो शेप किस जगह होगी ये यहां बताएगा दिस क्वांटम नंबर शो द 3D डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल मतलब ये है कि आप बहुत आसानी से जैसे एल के लिए बात कर सकते हैं कि वो डंबल शेप का है लेकिन वो डंबल किस तरह से रखा है एक्स एक्सेस पे रखा है वाई पे रखा है ये एक्स हो गया तो इसको नाम बोलेंगे पी एक्स वो किस जगह रखा हुआ है पी वाई और अगर वो जेड एक्सेस पे तो पी जेड तो है तो डंबल ये तो आपको कहां से मिल गया एजीमुथल क्वांटम नंबर से लेकिन वो डंबल कहां रखा है ये कहां मिला आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से अब अगला पॉइंट याद रखिएगा प्रिंसिपल में कौन था एजीमुथल एजीमुथल में कौन है मैग्नेटिक ये बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में राजस्थान राजस्थान में कोटा तो कोटा इंडिया में होगा हाँ तो बिल्कुल सही है द वैल्यू ऑफ आगे नेक्स्ट पॉइंट होगा द वैल्यू ऑफ एल आर माइ सॉरी द वैल्यू ऑफ एम आर माइनस एल टू जीरो जीरो टू प्लस एल इंटीग्रल वैल्यू यानी एक एक के डिफरेंस वाली सारी वैल्यूज होगी ये हमारे लिए हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर का एक और बहुत छोटा सा पॉइंट एजी क्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का छोटा सा पॉइंट ठीक है तो अब अगला पॉइंट कि ये हमें यहां पर बता रहा है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो बन के आ रहा है वो ये है कि अगर आपके पास एल की वैल्यू दी जा रही है और एम की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है एल की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू भी क्या होगी जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो एक ही वैल्यू है जीरो समझ में आ रहा है एल की वैल्यू आपके पास वन है तो यहां थ्री वैल्यू होगी माइनस वन जीरो प्लस वन इंटीग्रल वैल्यू माइनस टू है तो माइनस टू फिर माइनस वन एक का डिफरेंस फिर जीरो फिर प्लस वन फिर प्लस टू और उसके बाद अगर आपके पास थ्री वैल्यू है एल की वैल्यू थ्री है तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री तो मैं आपसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछना चाह रहा था एल की वैल्यू अगर जीरो है तो एम की वैल्यू क्या होगी जीरो यानी ये इस तरह से है कि इंडिया में जैसे दिल्ली मान लो तो वो स्टेट है उसके अंदर कोई सिटी नहीं है तो स्टेट ही क्या हो गया सिटी हो गया पक्का तो काम की बात ये है कि इसका फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है यानी इस जगह आप इसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोले या मैग्नेटिकल क्वांटम नंबर बोले बात एक ही क्योंकि क्लासिफिकेशन नहीं है सिर्फ एस को तो यहां हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एक और नाम बोलेंगे और वो बोलेंगे ऑर्बिटर क्या बोलेंगे ऑर्बिटर तो इसको हम ऑर्बिटल बोलेंगे तो यहां हमारे पास और एल को हम क्या बोलते हैं सब शेल और ये क्या हो जाएगा ऑर्बिटर तो आप मेरी मदद करिए इसमें कि एस एक सबशेल है या ऑर्बिटल है या दोनों है दोनों है यानी ये सबशेल भी है और ऑर्बिटल भी है लेकिन पी सबशेल भी है लेकिन पी ऑर्बिटल नहीं रहेगा फिर पी एक्स पी वाई पी जेड तीन नाम हो जाएंगे ऑर्बिटल तो पी सबशेल और पी ऑर्बिटल अलग अलग चीज होती है जबकि एस सबशेल और एस ऑर्बिटल सेम थिंग है तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया यहां पर की पॉइंट फर्स्ट एस सबशेल एंड एस ऑर्बिटल आर सेम थिंग वेयर एस पी सबशेल एंड पी ऑर्बिटल आर डिफरेंट थिंग पी के लिए आपके पास एस के लिए तो एस ही है
पी के लिए आपके पास क्या होता है? आप इस तरह से ब्रैकेट बना सकते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। हर ब्रैकेट अपने आप में क्या बता रहा है? एक ऑर्बिटल को। नेक्स्ट, डी के लिए आपके पास कितने होंगे? एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच, पांच। तो इनके नाम क्या होंगे? इसके नाम होंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड, और इनकी शेप भी क्या होगी? दोनों हम साथ ही बनाएंगे। फिलहाल तो यहां नाम लिख लो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। देखो नाम भी काफी बड़ी कहानी बताता है। कैसे? जैसे अगर हम बात करें डी की, तो सबसे पहला ऑर्बिटल क्या होगा इसका? डी एक्स वाई। तो ये एक्स और वाई के बीच में होता है, और सबसे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी पता है कहां होगी इसकी? इस जगह, यानी एक्स और वाई के बीच में जो 45 डिग्री एंगल पर लाइन जा रही है, वहां इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। और धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम। एक्स और वाई एक्सिस पर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो। और उस जगह हम बोलते हैं नॉड। क्या बोलते हैं? नॉड या नॉडल प्लेन, बात एक ही है। तो बताइए डी एक्स वाई के लिए एक्स एक्सिस नॉड है या नहीं है? है। चलिए दूसरा ऑर्बिटल आता है वाई जेड, यानी डी वाई जेड। आप कहेंगे सर ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। हां दिख वैसा रहा है, लेकिन एक्सेस अलग होने से इसका नाम भी अलग हो चुका है। आप देखिए वहां एक्स वाई एक्सेस थी, यहां वाई जेड है। और भी ऑर्बिटल आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कौन सा है? जेड एक्स। और ये कौन सा है आपके पास? इस ऑर्बिटल का नाम हो जाएगा आपके पास डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर। आप कुछ खास बातें देख रहे हैं कि ये सारी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, एक्स वाई वाई स्क्वायर एक्स जेड, ये। जबकि पी वाले ऑर्बिटल किस में थे? नॉर्मल थे, एक्स वाई जेड लीनियर थे इक्वेशंस में। एक ऑर्बिटल और बच रहा है, और उसका नाम क्या हो जाएगा? डी जेड स्क्वायर, क्योंकि ये जेड एक्सिस है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जेड एक्सिस पे होगा, और ये एक बिल्कुल बीच में रिंग सी होगी। अच्छा, एफ ऑर्बिटल मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन अगर उनके नाम होंगे तो क्या होंगे? एक्स वाई जेड, तीन तीन नाम एक साथ होंगे, क्यूबिक वाली फॉर्म की फील आएगी। यहां एक्स स्क्वायर है तो वहां क्या होगा? एक्स क्यूब डैश वाई क्यूब। इस तरह के उनके नाम आपको देखने को मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये तो आपके पास हुए डी। एक होता है डी सबशेल, सबशेल का मतलब इन सबको मिला के बोला जाए तो सबशेल, और इंडिविजुअली एक बॉक्स को मिला के बोला जाए तो क्या बोलोगे? ऑर्बिटल। तो बताइए मैंने ये हाथ रख दिया, ये क्या है, सबशेल या ऑर्बिटल? सबशेल। अब ऑर्बिटल एस के लिए ये दोनों है, सबशेल भी है और ऑर्बिटल भी है। तो ये आपने बहुत अच्छे से कर लिया, किसको? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से रिप्रेजेंट करता है, उसकी वैल्यू माइनस एल से प्लस एल की तरफ होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास पॉइंट्स बन रहा है, तो एक और पॉइंट आपके पास आ रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम फॉर एल, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम फॉर एल, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल,
आप जानते हैं माइनस एल से लेके प्लस एल, यानी टोटल कितनी हुई, 2l, लेकिन जीरो भी है तो 2l प्लस 1, या सुनो 2l प्लस 1 होगा। हाँ बोलो बेटा। नहीं, एल पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन एम की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एम की बात कर रहे हैं ना हम तो अभी। एल की वैल्यू मिनिमम जो होती है वो होती है जीरो, बस। एल की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन एम की तो हो सकती है। एम की वैल्यू कहां से होती है, माइनस एल से प्लस एल। अब आपका क्वेश्चन पूछिए, क्या चीज बेटा? एल की वैल्यू, एम की वैल्यू, ये तो देखो क्वांटम नंबर डिसाइडेड है कि एम की वैल्यू नेगेटिव क्यों है, क्यों? क्योंकि हमें ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे हम सारी प्रॉपर्टीज और नेमिंग और डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी सबको बहुत इजी वे में समझा सके। समझ में आ रहा है? तो शेप का नेगेटिव वैल्यू से डायरेक्ट अभी कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है ना? ये नहीं है कि पॉजिटिव है तो अलग तरह का शेप हो जाएगा, नेगेटिव है तो अलग का होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यूज है जो हमारे को आगे हेल्प करेंगी, लेकिन एक अच्छा पॉइंट है जिसका आंसर हम फ्यूचर में जब कभी ना कभी जरूर डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एम फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल आर 2l+1, क्या आपने लिख लिया ये? ये तो रहा हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट की। हमारे पास देखिए, यहां हमारे पास एक और पॉइंट है। ये पहला पॉइंट हमारे पास हुआ, दूसरा नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2 2l+1। जितने ऑर्बिटल आएंगे उसे डबल क्वांटिटी के क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या सुनो। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? अगर मुझे कहा जाए यही चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्मेट में, थर्ड नंबर पे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल फॉर, ऑर्बिटल का मतलब वही एम की वैल्यू, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन, एन। तो आप इतना तो जानते हो, क्या जानते हो आप, कि एक ऑर्बिटल में इतने होंगे 2l+1, एक ऑर्बिटल में कितने होंगे 2l+1, ये तो एक ऑर्बिटल में हुए। और ऑर्बिटल की क्वांटिटी कहां से स्टार्ट होती है? जीरो से स्टार्ट होती है, और कहां तक जाती है? n-1। तो इन सबको समेशन कर दो, 12+1 समेशन कर सकते हो, और ये हमारे पास आ जाएंगे। और एक और तरीका है जो आप पहले जानते थे, टोटल इलेक्ट्रॉन 2n² है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 2n² है, तो इलेक्ट्रॉन कितने, ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे? n² क्योंकि हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी वही आंसर देगा जो यहां से देगा, यानी ये दोनों बराबर होंगे, होंगे या नहीं होंगे? तो दोनों मेथड में आपको जो चीज सही लगे आप यूज कर लो। आपको कोई न्यूमेरिकल तो पूछ नहीं रहा, तो आप पूछेगा तो आप ये करना, क्योंकि ये आसान है, n² ही करना है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एन।
आपको क्या करना है, ये ऑर्बिटल थे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टू से। तो टू बाहर लिखो या अंदर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये हो जाएंगे आपके टोटल इलेक्ट्रॉन, जितने ऑर्बिटल है उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर टू एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। ऑर्बिटल की शेप को ध्यान में रखिएगा, मैं आपसे कभी भी इन चीजों पर डिस्कस करवा सकता हूं। सही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, फोर्थ नंबर स्पिन क्वांटम नंबर। भाई हमें यहां यह बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल सही है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होने हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन है खुद की एक्सेस पे वो अपोजिट डायरेक्शन में है, ये हमें स्पिन क्वांटम नंबर ने बताया। बहुत बाद में जाके हमें ये पॉइंट का पता चला। तो क्या बताता है ये, इट शो द डायरेक्शन ऑफ, इट शो द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स सेल्फ एक्सिस। एक्सेस तो खुद की एक्सेस पे वो हमारे को ये बता रहा है कि किस तरह के होगा, तो किस तरह से हो रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, ये बात तो हम सब जानते थे, जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूम रही है बिल्कुल, लेकिन अर्थ अपनी एक्सेस पे भी तो घूम रही है, जिससे दिन और रात बन रहा है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सेस पे घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। लेकिन अगर पहला वाला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी होगा, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाए, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या कुछ भी बोला जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये जो आपको क्लॉकवाइज दिखेगा वो मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, तो ये हम कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर पहला वाला क्लॉकवाइज है तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन आपको क्या बोलना पड़ेगा, ये इस तरह घुमा रहे तो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर इट्स सेल्फ एक्सियस, इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स सेल्फ एक्सियस, बोथ इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर, बोथ इलेक्ट्रॉन रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन and represent by plus half और minus half। भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज प्रॉबिलिटी क्या रहेगी, 1/2 1/2। तो एक को हमने प्लस हाफ लिख दिया, दूसरे हमारे लिए क्या हो गया, -1/2। लेकिन ये बहुत समझाने के लिए अच्छा है, प्लैंक थ्योरी इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती है। तो ये हमारे पास प्लैंक नहीं, ज़ीमान थ्योरी, इसके वो बहुत आगे जाके ज़ीमान ने बहुत अच्छे से बताया था, प्लैंक ने भी हेल्प की है। खैर ये सब आपके लिए बाहर की चीजें, फिलहाल तो ये चीज क्लियर हो गई, बाय प्लस हाफ और माइनस हाफ, या फिर आप इसको इस तरह से करेंगे, आधा एरो इस तरफ या फिर हाफ एरो इस तरफ, बात एक ही है। तो ये आपके पास हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर आपको क्या हेल्प कर रहा है, ये बता रहा है ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, लेकिन वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ये बात हमारे को इसने बताई। हाँ बोलो बेटा, मैंने आपको यही बोला ना, देखो दो रीजन है, प्लस हाफ और माइनस हाफ लेने के या किसी भी क्वांटम नंबर की कोई वैल्यू लेने के पीछे उनके बहुत सारे रीजंस होते हैं, एनर्जी
नहीं ऐसा नहीं, आप इसको ऐसे समझो, जो मेरी बात पूरी पहले क्लियर होने दो। आपने अपना क्वेश्चन पूछ लिया, अब मेरे को बोलना है। देखो हमें केवल ये नहीं बताना होता कि डायरेक्शन क्या है, हमें ये भी बताना होता है कि इलेक्ट्रॉन जब वहां घूम रहा होता है उसके खुद के मोमेंटम होते हैं, और वो मोमेंटम में जब हम एल की वैल्यू क्या रखा जाए कि हमारे आंसर सही मोमेंटम क्रिएट्स करें। पहला आंसर तो यहां से निकलता है। समझाने के लिए हम और भी बोल सकते हैं कि अलग अलग थ्योरी हम बोलते रहते हैं, लेकिन सही मायने में तो वैल्यूज ऐसे हवा में नहीं रखी गई है, वो वैल्यूज रखी गई है जिसे उनकी एनर्जी और मोमेंटम सही सही वैल्यूज बता सके। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है कि हम इसको +1 और -1 रख देते तो क्या दिक्कत होती, लेकिन क्या हमारे मोमेंटम सही आते उससे? नहीं आते। मोमेंटम कौन सा, जितने तरह के रोटेशन होते हैं उतने तरह के मोमेंटम बन जाते हैं, यहां पर कौन सा मोमेंटम बनेगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? सही आती। तो ये अगला पॉइंट बिल्कुल इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड पॉइंट। ये फर्स्ट पॉइंट था, द वैल्यू ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू होती है 2L। L हमेशा यहां पर, सॉरी 2S, S हमेशा यहां मैग्नीट्यूड में रखना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, S S +1 H बार। H बार की वैल्यू आप जानते हो, और ये H बार बाहर है। अब अगर आपको यह मैग्नीट्यूड भले ही क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, S की वैल्यू क्या रखनी है आपको? 1/2। तो यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 +1 एक फिक्स वैल्यू हो गई, भले वो क्लॉकवाइज के लिए हो या एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो, लेकिन यहां मैग्नीट्यूड में रखना होता है। तो फिर ये माइनस का क्या रोल है भाई? एक को क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करनी है तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी तो शो करनी पड़ेगी, तो साइन तो चेंज करोगे आप। हाफ का क्या यूज है? यहां पर एस की वो वैल्यू रखी जाएगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो चाहिए वही आए, और एच बार की वैल्यू क्या है? एच अपॉन 2π। ये वैल्यू एस एस +1 एच अपॉन 2π, ये ब्रैकेट के बाहर है। और पूछिए आपको क्या जानना है। बेटा इस लेवल पे प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एटम के अंदर की बातें हैं। तो यहां प्रेशर का या एक्सटर्नल प्रेशर या टेम्परेचर का इतना ज्यादा खास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं ना, बहुत माइक्रो लेवल के पार्टिकल है, वहां कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना? और टेम्परेचर की बात आती है तो ये भी हमारे लिए आउट ऑफ पॉइंट हो गया, पड़ेगा तो कितना पड़ेगा, ये सब पॉइंट्स बात की बात हो गई, किस लेवल से स्टार्ट होगा। लेकिन हाँ ये है कि इन सब का हमारे नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई और अच्छा क्वेश्चंस नहीं है? तो ये तो हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए कि स्पिन क्वांटम नंबर का क्या एप्लीकेशन है। तो तीन तरह के मोमेंटम पढ़े आपने, एक नॉर्मल मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, फिर स्पिन एंगुलर मोमेंटम। नॉर्मल मोमेंटम होता है MVR NH अपॉन 2π, NH अपॉन 2π। फिर आता है ऑर्बिटल, जिसमें हम क्या लिखते हैं, L L +1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय H अपॉन 2π, रूट में आता है L L +1। सेम सेम वो का वही फॉर्मेट चल रहा है। अच्छे से समझ में आ गया? चलिए ठीक है, बहुत सही पॉइंट है। अब बात आती है कि एक बार हमने जो भी पढ़ा है उसको सिस्टमेटिक समझ लें, और हमने चारों क्वांटम नंबर पढ़ लिए, लेकिन इसको फील फैक्टर बढ़ाना चाहते हैं हम। तो चलिए अगला फील फैक्टर हम इसी को देखते हैं। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार पूरा रिवाइज करते हैं कि हमने क्या किया है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, क्या है ये हमारे पास? न्यूक्लियस, छोटा सा एटम में, इतना छोटा कि दिखाई भी नहीं देगा। जैसे दिल्ली शहर में एक छोटी सी
मारुति 800 दिखाई देगी कि ऊपर से देखने पर? नहीं दिखाई देगी, या तो आप मारुति को देख लो या दिल्ली को देख लो, लेकिन जब आप पूरा दिल्ली देखोगे तो मारुति 800 जितना ही न्यूक्लियस होता है एटम में, पक्का। तो ये ऊपर से देखने पर एक डॉट से ज्यादा नहीं दिखेगा। जब न्यूक्लियस डॉट दिखेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या दिखाई देगा? नहीं दिखाई देते, बस हम उसको फील करने के लिए लिखाई लिखते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट शेल है, ऐसे बहुत सारे शेल होंगे, ये सेकंड शेल है, और ऐसे कोई बहुत बड़ा शेल भी होगा, फोर्थ शेल। तो इसको आपने क्या नाम दिया? इसको नाम दिया आपने शेल। आप पहले भी लिख चुके हो ऑर्बिट, मैं जनरली मेन मेन नाम लिख रहा हूं, शेल या ऑर्बिट। अब इसके अंदर एल की वैल्यूज होंगी, इसके लिए एन की वैल्यू क्या है आप जानते हो? एन की वैल्यू क्या है इसके लिए? फोर, या सुनो। अब इसके अंदर ऑर्बिट होंगे, ये आपके पास ऑर्बिट हो गया एल, 1 0 से स्टार्ट होगा, 0 1, एल की वैल्यू 2, और एल की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास? 3। तो ये सारा मिलके क्या बना रहा है? शेल या ऑर्बिट। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे सब शेल, सब शेल, सब शेल। सब शेल के अंदर क्या होगा? ऑर्बिटर। इसके अंदर तो जो सब शेल है वही ऑर्बिटल है। यहां पर px, py, pz, यहां पर 5 होंगे, 2 3 4 5, और यहां कितने होंगे? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारे लिए सब शेल हो गया। तो आपको आइडिया रहना चाहिए कौन सी चीज क्या है, इसको आप क्या बोलोगे? सब शेल। अच्छा, इस चीज को क्या बोलोगे आप? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये वाला पार्ट आपके लिए क्या होगा? केवल एक सिंगल पार्ट, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर क्या इससे ज्यादा क्लासिफाइड करेंगे? नहीं, बस इलेक्ट्रॉन हमें रोटेशन कर सकते हैं। अभी तक तो हमारा काम चल रहा था, ये हमारे लिए सबशेल, ये ऑर्बिटर, केवल एक पार्ट। तो आपको सबसे पहले सबसे बड़ा कौन? शेल, सब शेल, और फिर ऑर्बिटर। मुझे यहां पर आपको ये समझाना था, एक हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो ये 2 आ गए, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारे पास आ रहे हैं, पक्का। आप मेरी मदद एक जगह और करो, ये एन इक्वल टू 1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, यहां हो गया। एन इक्वल टू 1 में एल की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बोले, सिर्फ 1, 0। एल की वैल्यू हमेशा एन से कम होती है, और उसके अंदर क्या होगा? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसको ऑर्बिटर, यानी फर्स्ट एन इक्वल टू 1 के अंदर एल की वैल्यू क्या होगी? 0, और एम की वैल्यू क्या होगी? 0, एक ही वैल्यू, फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। तो अब मेरे कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो, फिर एक साथ लिखना, आप ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन का आंसर दो, क्या मैं फर्स्ट शेल को सब शेल भी बोल सकता हूं और ऑर्बिटल भी बोल सकता हूं? हाँ, यानी ये अपने आप में ऑर्बिटल भी यही है, सब शेल भी यही है, और शेल भी यही है, लेकिन यहां ऐसा नहीं कह सकता। तो आप ये बताइए, ये अपने आप में एस क्या है? सब शेल या ऑर्बिटर? सब शेल और एंड ऑर्बिटल, बिल्कुल सही कहा, ये अपने आप में सब शेल एंड ऑर्बिटर दोनों है। क्या ये सब शेल और ऑर्बिटल सेम है? नहीं, यहां सबशेल और ऑर्बिटल अलग है, सबशेल इतना बड़ा है और उसका इतना सा पार्ट एक ऑर्बिटल कहलाएगा। इसका नाम क्या है? पी। इसका नाम एस था,
एस पी डी और इसका नाम एफ। इस शेल में हमारे पास क्या है, के एल एम एन, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो आप इन सबको लिखो जल्दी से। चलो ठीक है, तो अभी आप इधर समझिए पहले, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं। आप मुझे बताएं जल्दी से यहां पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन, लिखते जाइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, जल्दी से बताइए। टू, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल, सिक्स, सब शेल के अंदर ये आ गया दो दो चार दो छः, और ऑर्बिटल में सिर्फ ये आया है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट थर्ड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन पी कैपिटल पी शेल, कितने होंगे, देखो के एल एम एन ओ पी यहां जाएगा, एन की वैल्यू कितनी थी, कितनी आएगी यहां पर, सिक्स, तो कितने हो जाएंगे, टू सिक्स स्क्वायर 72, समझ में आ रहा है, कितने होंगे 72। तब आप मेरी मदद करिए फास्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, टू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, टू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, टू। अब दूसरे क्वेश्चन का, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल, टू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल, सिक्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, टेन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एफ सबशेल, 14। अब बताइए किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल, बराबर होंगे दो दो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस शेल, एस शेल, तो के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन सही है, स्क्वायर 81, 162। तो जल्दी से आंसर दीजिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एस सबशेल, टू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल, टू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिट, 162, 162, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, टू, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, 10, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन डी शेल, नॉट पॉसिबल, डी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग हमारे यहां पर कहां से स्टार्ट हो रही है, अल्फाबेटिक के से, क्वेश्चन गलत है, ठीक है, तो कहीं दिक्कत नहीं है। किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल में, या बराबर होंगे, बराबर होंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, ध्यान से सुना, एस सबशेल या पी ऑर्बिटल, बराबर होंगे, एस सबशेल और पी ऑर्बिटल बराबर होंगे, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एस ऑर्बिटल पी सबशेल, पी में ज्यादा होंगे, पी सबशेल में, क्योंकि सिक्स होंगे और एस ऑर्बिटल में दो, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, पी सबशेल और डी ऑर्बिटल, पी पी सबशेल, डी ऑर्बिटल में तो दो ही है, किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, पी सबशेल डी सबशेल, डी में, क्योंकि 10 होंगे, पक्का, अच्छे से पकड़ में बना लिया, यस और नो, मैक्स, आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखने चाहिए, 2n स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2, 2l प्लस 1,
क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं। क्या गलती है इसमें? एल की लिमिट नहीं बताई। एल की वैल्यू कहां से आएगी, जीरो से या वन से, और कहां तक जाएगी, एन माइनस वन या एन प्लस वन? एन माइनस वन या एन? एन माइनस वन, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको अच्छे से दिमाग में बिठा के चलना है, लिख लीजिए। इस एग्जाम में, और इस एग्जाम में फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए, सबसे पहला पी ऑर्बिट, कितना आंसर आएगा जल्दी से बोलो? 72, बिल्कुल सही आंसर है, ऑर्बिट बोल रहा हूं, 72, यानी 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, यहां पर भी 2n स्क्वायर लगेगा, और n की वैल्यू यहां पर कितनी रहेगी, 9 s के लिए, तो आपके लिए हो जाएगा 162, ये भी बिल्कुल सही है। p सबशेल, सबशेल होती है 6, px py pz तीनों में मिला के 6, s सबशेल 2, d ऑर्बिटल कितने हो जाएंगे पक्का, ऑर्बिटल d सबशेल, s ऑर्बिटल पक्का, p ऑर्बिटल 2, ऑर्बिटल का नाम सुनते ही आपके पास क्या दिमाग आता है, 2, f सबशेल 14, सारे सही करें आपने, चलो बढ़िया, ओके।